एसओजी ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 किलो चरस पकड़कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडीजी एटीएस एसओजी अनिल पालीवाल ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि एक अंतर्राज्यीय गिरोह हिमाचल प्रदेश से मादक पदार्थों की तस्करी करके राजस्थान में लाकर उनकी सप्लाई कर रहा है। सूचना पर एसओजी की टीम ने आमेर से पहले दिल्ली जयपुर हाईवे पर कुंडा चेक पोस्ट पर नाकाबंदी की। इस दौरान पुलिस ने अंकुश सिंह और उपेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों के कब्जे से उनके पहने हुए जैकेट के अंदर एक प्लास्टिक की थैली मिली जिसमें काले पदार्थ की गोलियां थी। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे के आदी हैं और हिमाचल प्रदेश से सस्ते दामों में आरोपी चरस को खरीदकर राजस्थान में लाकर उसमें मिलावट करते थे और उसे करीब 10 गुना अधिक दामों में बेच दिया करते थे। एसओजी आरोपी से पूछताछ कर रही है। वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत लाखों में आंकी जा रही है। अंकुश सिंह और उपेंद्र ठाकरिया है, इनके पास से कुल मिला करके लगभग 1.5 किलो, मतलब 1 किलो 450 ग्राम, लगभग 1.5 किलो हाई क्वालिटी चरस बरामद हुई है। और इसमें ये सामने आया है कि ये पहले भी कई ट्रिप कर चुके हैं और युवाओं को भी ये ड्रग्स देते हैं। इसके अलावा जो शहर में अभी प्रारंभिक पूछताछ शुरू हुई है, इनसे पूछताछ चल रही है, जो प्रोस्टिट्यूशन की एस्कॉर्ट सर्विसेज वगैरह चलाते हैं उनसे भी ये टच में रहते हैं, उनको भी सप्लाई करते हैं, पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी उनको भी सप्लाई करते हैं। वो अब जो शख्स है हिमाचल में, ऐसे कौन लोग हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और आगे ये कहाँ सप्लाई करते हैं उसके बारे में भी हमको कई जानकारियां मिली है। आखिरकार जयपुर के